नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसका नाम है एडिसन। तो चलिए शुरू करते हैं। उदय को नई नई बातें जानने का शौक था। रात को खाना खाने के बाद वह रोज दादाजी के कमरे में जाता और उनके पांव दबाकर ढेरों बातें करता। दादाजी की बताई बातों को वह बड़े गौर से सुनता था। उसे दादाजी का साथ बहुत अच्छा लगता। आज उदय ज्यों ही दादाजी के कमरे में पहुंचा तो एकदम बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। दादाजी ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि बिजली का बल्ब किसने बनाया। उदय कहता है, कभी सोचा ही नहीं। दादाजी कहते हैं, बल्ब बनाने वाले का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। वह अमेरिका का रहने वाला था। उदय कहता है, उसने बल्ब कैसे बना डाला। दादाजी कहते हैं, वह बचपन से ही विचारशील था। घर में वह काम में इतना मग्न रहता कि माँ खाना कमरे में दे जाती थी, किंतु वह खाना वैसे ही पड़ा रहता था। कक्षा में भी वह अपने ही विचारों में खोया रहता। इन बातों से एडिसन के अध्यापक उसे बुद्धू बालक समझते, लेकिन उसकी माँ उसे बुद्धिमान समझती थी। वह सबको कहती कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा व्यक्ति बनेगा। माँ के इसी विश्वास से एडिसन को उत्साह मिलता और वह अपनी खोज में लगा रहता। उदय कहता है, वह प्रयोग करने के लिए पैसे कहाँ से लाता था दादाजी। तो दादाजी कहते हैं, बेटा वह 12 वर्ष की आयु से ही रेलगाड़ी में अखबार बेचने लग गया था। उसके अतिरिक्त वह सब्जी आदि बेचकर भी पैसे कमाता था और जो पैसा बचाता वही अपनी खोजों में लगा देता। तो उदय कहता है, तो क्या वह इतना होशियार व परिश्रमी था। दादाजी कहते हैं, वह होशियार व परिश्रमी ही नहीं बल्कि धुन का भी पक्का था। वह दिन में 20-20 घंटे काम करता था। आराम करना तो वह जानता ही नहीं था। लगातार और अधिक परिश्रम करने के कारण ही उसे सफलता मिली। तो उदय कहता है, तो क्या बिजली की खोज भी एडिसन ने ही की थी। दादाजी कहते हैं, नहीं, बिजली की खोज तो इससे पहले हो चुकी थी, किंतु बिजली को प्रकाश के रूप में बदलने का आविष्कार एडिसन ने 27 जनवरी 1880 को किया। उदय कहता है, बिजली आ गई, कमरा चमक उठा। दादाजी, इस समय तो आप रेडियो पर समाचार सुनते हैं, क्या रेडियो चला दूं। दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य। उदय रेडियो चला देता है। दादाजी कहते हैं, बेटा ये जो रेडियो चल रहा है, इसका पहला रूप ग्रामोफोन हुआ करता था। उदय कहता है, दादाजी वही ग्रामोफोन जिस पर आप काला रिकॉर्ड चलाकर गीत व भजन सुनते हैं। दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ वही। इससे पहले सिनेमा में भी केवल चलती फिरती मूक तस्वीरें हुआ करती थी, एडिसन ने ही इनमें आवाज भरी। उदय कहता है, क्या एडिसन ने सारे सफल प्रयोग ही किए दादाजी। दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, वह 1000 से भी अधिक प्रयोगों में असफल होने के बाद ही सफलता प्राप्त कर सके। बेटा, खास बात यह है कि उनका यह दृढ़ संकल्प था कि वह सब आविष्कार मानवता की भलाई के लिए ही करेंगे। उदय कहता है, दादाजी क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को हुआ था और 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी में उस महान वैज्ञानिक का देहावसान हो गया, परंतु उनके द्वारा बनाया गया बल्ब आज भी चारों तरफ रोशनी फैला रहा है। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो अपने आप में परिश्रम की भावना, असफलता पर भी धैर्य न छोड़ना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करो, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उदय कहता है, दादाजी के चरण स्पर्श करते हुए मुझे आशीर्वाद दीजिए। दादाजी कहते हैं, तथास्तु। तो ये था एडिसन के बारे में। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। स्वभाव, आदत। विचारशील, विचारों में मग्न। उत्साह, हौसला। ग्रामोफोन,
एक यंत्र जिसमें शब्द ध्वनि भरकर जब चाहे प्रायः ठीक उसी रूप में सुन सकते हैं। प्रण, संकल्प, मग्न, तल्लीन, आविष्कार, खोज, मूक, मौन, दृष्टिकोण, देखने सोचने का पहलू, तथास्तु, ऐसा ही हो, देहावसान, मृत्यु या देहांत। तो आपको एडिसन के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।